श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है कि हनुमान जी क्यों हैं कलयुग के देवता? उनके सामने क्यों नहीं ठहरती मायावी शक्ति? तो चलिए आज जानते हैं हनुमान जी के बारे में। वर्तमान में जो युग चल रहा है उसे कलयुग नाम दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में देवी देवता वास नहीं करते हैं, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें कलयुग के देवता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त हनुमान जी की आराधना करता है उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हनुमान जी अपने भक्तों का हर संकट हर लेते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृति और साक्षात शक्ति हैं, जिनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं ठहर पाती है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी भगवान राम की पूजा होती है या फिर रामायण का पाठ होता है, वहाँ पर भक्त हनुमान किसी न किसी रूप में अवश्य पहुँचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की लंका पर विजय पाकर जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने उन लोगों को उपहार दिए जिन्होंने रावण के साथ युद्ध में उनका साथ दिया था। इसमें विभीषण, अंगद और सुग्रीव शामिल थे। तभी हनुमान जी भगवान श्री राम से याचना करते हैं कि यावद राम कथा वीर चरिष्यति मही तले तावच्छर शरीरे वसन्ति प्रणामम न संशया। अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। तब भगवान श्री राम ने आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे हनुमान, एवं मतेत कपि श्रेष्ठ भविता नाथ र संशया चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावत ते भविता कीर्ति शरीरे पव्यस्तता लोका ही यावस्त संति तावत स्थायन्ति मे कथा। अर्थात हे कपि श्रेष्ठ, हे हनुमान, ऐसा ही होगा इसमें संदेह नहीं है। इस संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कृति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेगी। हे कपिध्वज, इसी प्रकार गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हनुमान वैराग्य का प्रतीक है। जो श्री कृष्ण जिस रथ पर बैठे थे, जिस अर्जुन के छांव पर ऊपर छांव था, वो साधारण बंदर नहीं, स्वयं भगवान कपिध्वजा हनुमान थे। सब मान निरादर आदर ही जो रखता है उसी को हनुमान कहते हैं। हनुमान वैराग्य का प्रतीक है, हठी का प्रतीक है। इसीलिए हे कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही है। इसीलिए हनुमान की पूजा इसीलिए कलयुग के देवता कहे जाते हैं। इसीलिए इनके सामने माया नहीं ठहरती। हरिओम तत्सत।